अगर तुम कार में बैठे हो, अगर तुम कार में बैठे हो तो तुम्हारा फ्रेम कौन है? कार है। ओके, अगर ये मार्कर मेरे हैंड में है, ये मार्कर मेरे हैंड में है, तो ये मार्कर का फ्रेम कौन है? मेरा हैंड, मैं इसका फ्रेम। ओके, ए कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तुम पेन से लिख रहे होगे, तो पेन किस फ्रेम में है? तो तुम्हारे फ्रेम में। कार में बैठे हो तो कार तुम्हारा फ्रेम है, ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन तुम्हारा फ्रेम है, बस में बैठे हो तो बस तुम्हारा फ्रेम है। तो पता चल रहा है कि व्हाट इज फ्रेम। ओके, अगर बस में बैठ ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन तुम्हारा फ्रेम, और ट्रेन का फ्रेम कौन है? रेलवे ट्रैक। ओके, अर्थ, कहने का मतलब अर्थ। तो बस पे चल रहे हो तो बस तुम्हारा फ्रेम है, क्योंकि तुम बस में बैठे हो तो बस तुम्हारा फ्रेम है, और बस किस पे है? वो है अर्थ पे, इसलिए अर्थ फ्रेम है बस के। तो फ्रेम का मीनिंग समझ में आया क्या? सबसे पहले क्लियर ये होना है कि व्हाट इज फ्रेम। तो फ्रेम क्लियर हुआ है क्या? तुम अगर कार पे बैठे हो तो जिस पे तुम बैठे हो ही तुम्हारा फ्रेम। ये मार्कर किस पे प्लेस है? मेरे हैंड में, तो हैंड ही मेरे मार्कर का फ्रेम है। ओके, हम सब किस फ्रेम पे हैं? तो अर्थ पे है, तो हम लोग अर्थ पे हैं। अर्थ मीन्स अर्थ मेरा फ्रेम है, अर्थ हमारा फ्रेम, तुम लोगों का, मेरा, सबका। तो फ्रेम का मीनिंग समझ में आया होगा। अब जैसे कोई पर्सन कार में बैठा है, तो फ्रेम ऑफ पर्सन इज कार। इफ अ पर्सन इज प्लेस्ड इन कार, इन अ कार, देन कार इज अ फ्रेम ऑफ दैट पर्सन, कार इज अ फ्रेम ऑफ दैट पर्सन। एंड अर्थ और रोड इज अ फ्रेम ऑफ कार। ओके, एक आदमी कार में बैठा है तो कार उसका फ्रेम है, और कार का फ्रेम कौन है? अर्थ। ओके, अब ये कार जा रही है, सपोज एक्सीलरेटेड मोशन से, कार एसिलरेटेड मोशन से जा रही है, तो ये मैन एसिलरेटेड फ्रेम में है, मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? कि सूडो फोर्स इज अप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम या फ्रेम क्या है ये पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज फ्रेम, फ्रेम क्या है। फ्रेम दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा स्टार पॉइंट देके लिखेंगे। फ्रेम दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम, सेकंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स इसमें एसिलरेशन जीरो नहीं है। सच फ्रेम विच इन विच एसिलरेशन इज नॉट जीरो इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड सच फ्रेम इन विच एसिलरेशन इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम। उस फ्रेम जिसमें एसिलरेशन जीरो है वो इनर्शियल फ्रेम है, और जिसमें एसिलरेशन जीरो नहीं है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर हुआ सबको? फ्रेम क्लियर हुआ? फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बोलो या वापस एक्सप्लेन करें? सर दोबारा सर। ओके, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, मैं एक बात बताता हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि जैसे
ये मार्कर, ये मार्कर सभी लोग सोचेंगे ये मार्कर कहाँ है, बोलो ये मार्कर कहाँ है, मेरे हैंड में है ना, मार्कर मेरे हैंड में है, यस सर, तो मेरा हैंड ही मार्कर का फ्रेम है। सभी लोग चश्मा यूज करते होंगे, ठीक है, सभी लोग, हम लोग चश्मा यूज करते हैं, बहुत सारे लोग चश्मा यूज करते हैं, तो उसमें भी फ्रेम होता है ना, ग्लास जिसमें सिचुएटेड है, ग्लास जिसमें प्लेस्ड है, वो फ्रेम है ग्लास का, ठीक है। उसी टाइप से मार्कर मेरे हैंड पे रखा हुआ है, इट मींस कि हैंड ही फ्रेम है इस मार्कर का। हम अभी अर्थ पे खड़े हैं, अभी हम अर्थ पे खड़े हैं, इट मींस अर्थ ही हमारा फ्रेम है। अगर हम कार में बैठे हैं तो कार हमारा फ्रेम है, ठीक है, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन हमारा फ्रेम है, कोई प्रॉब्लम है बोलो। अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन हमारा फ्रेम है, अगर अभी हम बस में बैठे हैं तो बस हमारा फ्रेम है। अभी इमेजिन करो कि फ्रेम मतलब क्या, हम जिसमें होते हैं वही हमारा फ्रेम होता है, इससे आइडिया लग गया कि फ्रेम क्या चीज है। ओके, अगर हम ओके, तो फ्रेम क्लियर हो गया कि व्हाट इज फ्रेम। अब ये फ्रेम दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे हम कार में बैठे हैं तो कार हमारा फ्रेम है। अब कार के दो पोजीशन हो सकते हैं कि एक तो रेस्ट में हो सकता है, कार के पास दो स्टेट पॉसिबल है, एक तो रेस्ट में हो सकता है, या दूसरा कि वो एक्सीलरेटेड मोशन में हो सकता है। अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है इट मींस कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, और अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है देन इनर्शियल फ्रेम। अगर हम कार में बैठे हैं तो कार हमारा फ्रेम है, अब अगर वो कार मोशन में है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो हमारा फ्रेम कार था, तो कार कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, अगर वो एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, एक्सीलरेटेड मोशन में है। और अगर कार रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो एक्सीलरेशन तो जीरो होगा, तो ऐसे फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। ओके, मुझे लगता है अब क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज इनर्शियल एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मींस एक्सीलरेशन इन दैट फ्रेम विल बी जीरो, एंड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सीलरेशन शुड बी नॉन जीरो। Inertial frame means acceleration should be zero, and non-inertial frame means acceleration should be non-zero. Okay, acceleration, if acceleration is non-zero, then that frame is known as non-inertial frame. Non-zero acceleration, non-inertial frame. Zero acceleration, inertial frame. Agar car एक्सीलरेटेड मोशन में है तो कार एक फ्रेम है ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए, और वो कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, अगर वो एक्सीलरेटेड में है। अगर ट्रेन में हम बैठे और ट्रेन अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है, ट्रेन में हम बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं और ट्रेन अगर एक्सीलरेटेड मोशन में, इट मींस कि हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है या फिक्स्ड वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम लोग इनर्शियल फ्रेम में। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सूडो फोर्स इज एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल, only non-inertial frame। अभी बस पॉइंट तुम लोग नोट करो, इसको एक्सप्लेन में वापस करूंगा। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स,
is always direction of pseudo force is always direction of pseudo force is always opposite direction of pseudo force is always opposite to the direction opposite to the direction direction of pseudo force is always opposite to the direction opposite to the direction opposite to the direction of acceleration acceleration के direction के opposite होता है pseudo force कौन सा फोर्स एक्सीलरेशन के अपोजिट होता है कौन सा फोर्स सुडो फोर्स अभी हम कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं सुडो फोर्स पढ़ रहे हैं सुडो फोर्स पढ़ रहे हैं तो हम सभी चीजें सुडो फोर्स की बात कर रहे हैं सुडो फोर्स ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स इज ऑलवेज direction of pseudo force is always opposite to the direction of acceleration of the frame direction of acceleration of the frame okay next note kar chuke hain kya ab yahan tak yes sir next magnitude of pseudo force magnitude of pseudo force is product of mass and acceleration magnitude of pseudo force is product of mass and acceleration. Okay. तो हमने जो जो भी पॉइंट पढ़े हैं वो सभी हम यहाँ पे वैलिड करवा रहे हैं देखो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें सारा क्लियर हो जाए ओके एक डायग्राम ड्रॉ कर सभी लोग समझना एक डायग्राम ड्रॉ करने का दिस इज अ कार एंड दिस इज अ पैसेंजर नेम इज ए ओके ए एक बैग है बी ए कार है एक और ऑब्जर्वर है जो आउटसाइड कार है वो है बी तो यहां तक नोट करो इस फिगर को नोट करो और सभी लोग आराम से ऑब्जर्व करना ये कहीं मिलेगा नहीं ये हमने कहानी बनाया हुआ है जितने भी सुडो फोर्स में डाउट है वो सब इस पिक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम में इस पिक्चर के अंदर सारा सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ओके सारा सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये डायग्राम क्लियर करेगा एक कहानी हमने बनाया हुआ है कहीं मिलेगा नहीं ये हमने बनाया हुआ है सोच समझ के कहानी नोट हो गया डायग्राम फिगर नोट हो गया यस सर एक ये एक कार है या बस है तुम लोग जनरली स्कूल बस से स्कूल जाते होगे कहानी सुनो कहानी है मैं पहले बोल रहा हूँ बुक का तो टॉपिक नहीं है एक कहानी हमने बनाया सुडो फोर्स को एक्सप्लेन करने के तो ये एक बस है स्कूल बस में तुम लोग स्कूल जाते होगे अभी तो कोरोना के कारण बंद है लेकिन पहले तो स्कूल बस में स्कूल जाते होगे स्कूल बस में स्कूल जाते होगे
तो अक्सर छोटे बच्चे को कोई ना कोई छोड़ने आता है बस के पास, ठीक है, कोई ना कोई आते हैं घर से बस के पास छोड़ने, और तब वो, ठीक है। तो मान लो कि मैन ए या ऑब्जर्वर ए, सपोज ऑब्जर्वर ए स्कूल बॉय है, स्कूल स्टूडेंट, ऑब्जर्वर ए सपोज स्कूल स्टूडेंट है, और ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर मीन्स मैं, ऑब्जर्व करने वाला, ऑब्जर्व कौन करेगा, कोई पर्सन ही करेगा ना। तो सपोज सपोज ऑब्जर्वर ए, सपोज ऑब्जर्वर ए, सपोज ऑब्जर्वर ए, सपोज ऑब्जर्वर ए इज स्कूल स्टूडेंट, ओके, सपोज स्कूल स्टूडेंट, एंड ऑब्जर्वर बी इज गार्डियन, ऑब्जर्वर बी गार्डियन है। अब ऑब्जर्व करो, ओके, मैन ए सपोज ऑब्जर्वर ए इज स्कूल स्टूडेंट एंड ऑब्जर्वर बी इज गार्डियन ऑफ दैट स्टूडेंट, ओके। अब ये बस पे बैठाया है, बस रिस्क में है, बस पे बैठाया, अब ये बस जाने लग जाएगी, बस फॉरवर्ड मोशन करने लग जाएगी विद एक्सिलरेटेड मोशन, कोई ना कोई बस में एक्सिलरेशन होगा, ड्राइवर एक्सिलरेटर लेगा तभी वो बस चला पाएगा। तो एसिलरेशन है बस। अब याद करो, सभी लोग बताना मेरे को, सभी लोग बताना कि अब ये बस जाने लग जाएगी एसिलरेशन ए से, अगर बस मूव कर रही है एसिलरेशन ए से, तो मैन ए का, मैन ए मीन्स स्कूल स्टूडेंट कौन से फ्रेम में है, एसिलरेटेड फ्रेम या नॉन एसिलरेटेड, बोलो मैन ए कौन सा फ्रेम में है, एक्सिलरेटेड या नॉन एक्सिलरेटेड। अगर बस मूव करना शुरू कर गई तो बस बस फ्रेम मैन ए का, एक्सीलेटर तो एक्सिलरेटेड मीन्स इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, एक्सिलरेटेड मीन्स नॉन इनर्शियल, हमने क्या बोला, सॉरी सर, ये सर नॉन जीरो एक्सीलरेशन होगा तो नॉन इनर्शियल, नॉन जीरो एक्सीलरेशन मींस नॉन इनर्शियल, नॉन जीरो एक्सीलरेशन मींस कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो एक्सीलरेशन है। तो ऑब्जर्व जो मैन ए है वो किस फ्रेम में है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, वापस वापस सभी लोग बताएंगे कि मैन ए किस फ्रेम में है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। इनर्शियल। मैन ए इनर्शियल में है, नो सर, नो सर, इनर्शियल। सभी लोग पहले तो अपने नोट्स में नोट करो कि इनर्शियल मींस व्हाट, इनर्शियल फ्रेम मींस, इनर्शियल फ्रेम मींस एक्सीलरेशन होना चाहिए जीरो, और नॉन इनर्शियल मींस नॉन जीरो, ओके, नॉन नॉन इनर्शियल मींस नॉन जीरो, नॉन इनर्शियल मींस एक्सीलरेशन नॉन जीरो, मतलब एक्सीलरेशन होगा तो नॉन इनर्शियल, एक्सीलरेशन है तो नॉन इनर्शियल, और नहीं है तो इनर्शियल। क्लियर हुआ क्या, बोलो मैन ए इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल। वापस
वापस बोलो सभी लोग अच्छे से सोच समझ के बोलो कि अगर बस एक्सीलरेटेड मोशन में है नॉन इनर्शियल ओके और मैन भी किस फ्रेम में है इनर्शियल या नॉन इनर्शियल इनर्शियल ओके मैन बी का फ्रेम कौन है अर्थ अर्थ है बिल्कुल सही हाँ बिल्कुल सही एक्यूरेट क्योंकि मैन बी अर्थ पे है तो अर्थ उसका फ्रेम हो गया मैन ए कार में है तो कार उसका फ्रेम हो गया ठीक है हम लोग अगर ट्रेन में है तो ट्रेन हमारा फ्रेम हम जिसमें है वही हमारा फ्रेम तुम अभी किसी न किसी घर में बैठे होगे ठीक है तो तुम्हारे लिए घर ही फ्रेम है तो मैन भी इनर्शियल फ्रेम में है इनर्शियल क्यों है क्योंकि वो अर्थ पे है और अर्थ को हम रेस्ट में लेके चलते हैं एक्चुअल में अर्थ रेस्ट में नहीं है बट हम रेस्ट में लेके चलते हैं तो मैन भी इनर्शियल फ्रेम में है और मैन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो सूडो फोर्स कौन ऑब्जर्व करेगा मैन बी या मैन ए अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर वन सूडो फोर्स इज एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम सूडो फोर्स कौन अप्लीकेबल कौन से फ्रेम में अप्लीकेबल है नॉन इनर्शियल तो मैन ए अप्लाई करेगा सूडो फोर्स की मैन बी सर मैन ए सर मैन मैन ए बिल्कुल सही जवाब कि मैन ए करेगा ओके मैन ए करेगा अब कहानी सुनो जो हमने कहानी बनाया उसमें कि जो स्कूल बस है उसमें एक स्टूडेंट जा रहा है अपने बैग को आगे रख दिया है पेरेंट उसको छोड़ने आए थे पेरेंट भी कोई भी मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट कोई भी हो सकते हैं बट वो एक पेरेंट है और उन्होंने मैन ए को बस में बैठा दिया बस जाने लग गई तब मैन बी ने मैन ए को फोन किया कॉल किया मैन बी मैन ए को कॉल किया कि तुम्हारा जो बैग है बैग उसमें फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड इन्होंने मैन बी ने बैग बी के बारे में बताया कि उसमें फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है तो इन्होंने सही बोला या गलत बोला फॉरवर्ड फोर्स कितना है एम इंटू ए फॉरवर्ड फोर्स एम इंटू ए क्यों सही बोला इन्होंने क्योंकि अगर हम बस में बैठे होते हैं तो बस की वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी होती है बस के एक्सीलरेशन हमारी एक्सीलरेशन होती है इट मींस कि बैग बी का एक्सीलरेशन कितना है मैन बैग बी का एक्सीलरेशन और कार ए का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए बस और बैग का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए क्योंकि बैग बस में है तो जो भी बस का एक्सीलरेशन है वही इस बैग का एक्सीलरेशन और अगर बैग का एक्सीलरेशन ए है और अगर इसका मास एम है तो एम इंटू ए फोर्स होगा ये रियलिटी तो मैन बी ने कहा ए को फोन करके कॉल करके बताया कि तुम्हारे बैग पे फॉरवर्ड में एक फोर्स लग रहा है एम इंटू तो इन्होंने सही कहा क्यों क्योंकि बैग जो है वो बस में है और जो बस की एक्सीलरेशन है वही बैग की एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स होगा एम इंटू तो मैन बी ने ए को बताया कि तुम्हारे बैग में फोर्स है कितना एम ए किधर फॉरवर्ड डायरेक्शन तो मैन ए ने देखा कि मेरा बैग को लेकिन रेस्ट में है मैन ए को रेस्ट में दिखाई पड़ रहा था बैग बी तो उन्होंने बोला कि मैन ए ने देखा कि मेरा बैग तो रेस्ट में है फोर्स कैसे लग रहा है इसमें तो मैन ए ने अपने पेरेंट बी का बात मान लिया कि चलो हम बात मान लेते हैं कि फॉरवर्ड में इसमें फोर्स है लेकिन इसने कहा बी को कि हम मान लेते हैं तुम्हारा बात कि फॉरवर्ड में फोर्स है लेकिन एक बात मेरा भी मानो कि एक बैकवर्ड में भी फोर्स है कितना एम इंटू ए ये ऐसा क्यों बोला ए ने मैन ए ने ऐसा क्यों बोला कि बैकवर्ड में है क्योंकि ये देख रहा था कि रेस्ट में है और इसको बैलेंस करने के लिए इसने बैकवर्ड में ऐसा नहीं कि इसने कोई फोर्स ऑब्जर्व किया
ऐसा कोई फोर्स इसने ऑब्जर्व नहीं किया था, बस बैलेंस करने के लिए अपने मन से एक फोर्स लगा दिया, मतलब जो उसने फोर्स लगाया वो रियल नहीं है, वो नॉन रियल फोर्स। वापस एक बात सुनाता हूं, वापस इस बात को रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनो, वापस इस बात को रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनो कि मैन की, या ऐसे समझो कि दो दोस्त हैं ए और बी, दो फ्रेंड हैं ए और बी, ए बस में बैठा और कहीं जाने लगा, अपने बैग को रख दिया, बैग का मास एम था, एन ए बैग अपने बैग को रखा जिसका मास एम था, अब ये चलने लगा, ए कहीं बाहर जाना होगा ए को, बी उसको छोड़ने आया था, ए को कहीं बाहर जाना होगा, बी उसको छोड़ने आया था, अब ये जाने लगा अपने बैग को रख के, अपने बैग को आगे रख दिया और जाने लगा, अपने बैग को आगे रख दिया और बस चलने लगे, और बस चलने लग जाएगी तो भी चलने लग जाएगी। तब इसने बी ने अपने फ्रेंड को, बी ने अपने फ्रेंड को कॉल करके बोला कि तुम्हारे बैग पे फॉरवर्ड में फोर्स लग रहा है, तो इसने तो सही बताया, क्यों सही बताया, क्योंकि जो बस का एक्सीलरेशन है वही बैग का एक्सीलरेशन है, वही इस मैन का भी एक्सीलरेशन है, वही किसी का भी एक्सीलरेशन है जो बस में, तो एक्सीलरेशन अगर बस का ये है तो बैग का भी ये माना जाता है, और एक्सीलरेशन ये है तो फोर्स तो एम में लगेगा उसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, तो इसने सही बताया, बी ने तो सही बताया, लेकिन ए को लगा कि मेरा बस, मेरा बैग तो रेस्ट में है तो बस बैग चलेगी कैसे, मेरा बैग तो रेस्ट में है, फिर भी इसने अपने फ्रेंड के बात को मानते हुए बोला कि चलो तुम फ्रेंड हो बात मान लेते हैं, लेकिन एक मेरा भी बात मानो, ए ने बोला बी से कि मेरा भी एक बात मानो कि इस पे बैकवर्ड एक फोर्स लग रहा है ए में, जबकि इस फोर्स को इसने देखा नहीं, ऐसे जबरदस्ती का लगाया है, इसीलिए इसको सोडो फोर्स कहते हैं। कहानी समझ में आया क्या? कहानी समझ में आया, या वापस रिपीट करूं? बोलो, कहानी समझ में आया कि रिपीट करें दोबारा? ऐसा समझ में, हाँ, मैं अब इस बार शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूं कि दो फ्रेंड हैं ए और बी, दो फ्रेंड हैं ए और बी, ए को कहीं बाहर जाना था इसलिए बी उसको छोड़ने आया था, बी उसको छोड़ने आया था, ए को कहीं बाहर जाना, तो ए बाहर जाना था तो ए आया स्टैंड पे, बस स्टैंड पे बैग को रखा, बस में बैठ गया, अब बस चलने लगी, बस चलने लगी तो जो बस का एक्सीलरेशन होता है वही बैग तो बस के अंदर वाले पर्सन का, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन होता है। अगर तुम स्कूल बस में बैठ के स्कूल जाते हो ना, तो जो बस की वेलोसिटी होती है ना वही तुम्हारी होती है, जो एक्सीलरेशन होती है ना बस की वही तुम्हारी होती है, तो बैग का एक्सीलरेशन भी वही है, बैग का एक्सीलरेशन भी वही है जो बस का एक्सीलरेशन। अब इसका एक्सीलरेशन ए, तो फोर्स इस पे कितना लगेगा, इसका मास इनटू ए, क्योंकि फोर्स तो एम ए होता है। तो मैन बी ने वही बात इसको बताया, मैन बी ने वही बात इसको बताया कि भाई तुम्हारे बैक पे फोर्स लग रहा है एम इनटू ए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन। तब इसने इसको यकीन नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ इसके बातों पे, लेकिन फ्रेंड था इसलिए बात मान लिया, ए को बिलीव नहीं हुआ था फिर भी बात मान लिया कि चलो फ्रेंड है बात मान लेते हैं कि फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, तो मान लिया इसने। लेकिन क्या कहा इन्हें कि एक बात फिर मेरा भी तुम मानो कि बैकवर्ड में भी एक फोर्स लग रहा है, मतलब ये वाला एम में कौन देखा है, ये वाला एम में कौन लिखा, ए ने, और ये वाला एम में कौन लिखा, बी ने, तो बी ने जो लिखा वो तो रियल है, लेकिन ए जो ए ने जो एफ इक्वल टू एम ए लिख दिया वो रियल नहीं है, वो सूडो फोर्स,
सूडो फोर्स, सूडो फोर्स को पी से डिनोट करते, यही है सूडो फोर्स, है ना, यही है सूडो फोर्स। अब तुम देख लो सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन के अपोजिट है या नहीं है, बोलो डायरेक्शन के अपोजिट है कि नहीं। यस सर। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका प्रोडक्ट कितना, वैल्यू कितना है, मास इनटू ए, क्लियर हुआ। एक पॉइंट हमने भी बताया था। yes, तीसरी बात हमने क्या बताया था कि अप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसीलिए इसको ऑब्जर्व कौन किया, ए के ने किया कि बी ने किया, तो ए ने किया क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड। तो सारा पॉइंट जो हमने सूडो फोर्स को एक्सप्लेन किया था, क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब एक बात बताता हूं, एक न्यूमेरिकल लेंगे ना, एक न्यूमेरिकल लेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग क्वेश्चन देखो, अगर थ्योरी नहीं समझ में भी आया तो तुम क्वेश्चन देखो, आराम से समझ में आ जाए। देखो समझना, सभी लोग समझना और इमेजिन भी करना। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमिना, हाइपोथेटिकल फेनोमिना को ऑब्जर्व नहीं करते हम लोग, हम लोग नेचुरल फेनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए दिखाई पड़ने वाला चीज। बाकी लोग म्यूट हो जाएंगे जल्दी से। मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं। अब सभी लोग, तुम ही लोग बताना कि एक बस है, बस में एक ऐसा ये थ्रेड है, थ्रेड है और ये बस है, और बस में एक थ्रेड के थ्रू एक पार्टिकल हैंग कर रहा है, बस में एक थ्रेड के थ्रू पार्टिकल हैंग कर रहा है। अगर एक बस फॉरवर्ड मोशन जा रही है एक्सीलरेशन ए से, अगर ये बस फॉरवर्ड मोशन जा रही है एक्सीलरेशन ए से, तो तुम बताना ये पूरा सिस्टम फॉरवर्ड में ये वाला सिचुएशन हो जाएगा क्या, बोलो सिचुएशन हो जाएगा इसमें। बोलो जल्दी से, सभी लोग बताएंगे कि अगर बस रेस्ट में है तब तो वर्टिकल है, अगर बस रेस्ट में है वर्टिकल है, बस अगर रेस्ट में तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल मोशन। म्यूट हो जाओ बाकी लोग, म्यूट हो जाओ। म्यूट हो जाओ साहिल, साहिल म्यूट हो जाओ साहिल। ओके, तो देखो एक बात बताते हैं, जो बस दिखता है ना, ये जो बस दिख रही है ना बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो बस दिख रही है, अगर ये रेस्ट में है तब तो ये पोजीशन इसका ठीक वर्टिकल होगा। ये एक पार्टिकल है जो एक थ्रेड से अटैच है, एक थ्रेड, लेकिन जैसे ही ये बस को फॉरवर्ड मोशन देते हैं तो ये फॉरवर्ड में झुकेगा या बैकवर्ड में, बोलो सर? बैकवर्ड में, बैकवर्ड में मूव करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाएगा, ये थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाएगा। मतलब ये बैकवर्ड क्यों हुआ, क्योंकि इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है, वो मोशन के अपोजिट,
एक्सीलरेशन के अपोजिट है, एक्सीलरेशन ही अगर फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड में फोर्स लग रहा है, दिस इज सुडो फोर्स। ये थ्रेड है तो इसमें टेंशन फोर्स भी लगेगा, इधर एमजी तो डाउनवर्ड लगेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस पूरे सिचुएशन पे थ्री फोर्स है, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सुडो फोर्स। सपोज थीटा एंगल तक इसने बेंड कर लिया है, सपोज थीटा एंगल तक अपने आपको बेंड कर लिया है, तो फाइंड थीटा, फाइंड थीटा एंड फाइंड टेंशन फोर्स। फिगर नोट करो, क्वेश्चंस नोट करो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लिया करो। थोड़ा जोर को लगाना पड़ेगा, फिजिक्स में दिमाग में जोर लगाना पड़ता है, पढ़ाने वाले को भी लगाना पड़ता है। फाइंड थीटा एंड फाइंड टी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो एक बात सभी लोग बताना मेरे को, ए पार्टिकल पे बैकवर्ड में सुडो फोर्स अप्लाई होगा, इस पार्टिकल पे बैकवर्ड में सुडो फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि ये पार्टिकल एक्सीलरेटेड फ्रेम में है तो बैकवर्ड में एक सुडो फोर्स अप्लाई होगा। तो ये आते 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 यहाँ इस थीटा एंगल के बाद ये रुक क्यों गया और आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको किसी ने बैलेंस किया है। कौन बैलेंस किया? तो इसको टी का एक कंपोनेंट, देखो टी इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। और थोड़ा मैं बड़ा फिगर कर देता हूं, और थोड़ा मैं बड़ा फिगर करता हूं, है ना? टेंशन फोर्स इधर है, mg इधर है और ma इधर है, सुडो फोर्स बैकवर्ड। अब इस टेंशन का एक एक बात बताना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर t sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर t cos थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करना हमने सबको सिखाया है, तो इस t का दो कंपोनेंट, t sin थीटा, t cos थीटा। अब एक बात बताना, t cos थीटा को बैलेंस कौन करेगा? mg। क्यों बैलेंस करेगा? क्योंकि t cos थीटा अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो बैलेंस कर रहे हैं। अब ये जो इस पे सुडो फोर्स जब बैकवर्ड लग रहा था तो यहां पर आके रुक क्यों गया? क्योंकि सुडो फोर्स ma को t sin थीटा ने बैलेंस कर दिया। एमओ को किसने बैलेंस किया? टी साइन किया। क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू तुम्हारे सामने है, दोनों को डिवाइड कर दो तो थीटा मिल जाएगा। एक काम करो, लिखो टू बाई वन, टू बाई वन क्या हो जाएगा? टू बाई वन टेन थीटा इक्वल टू ए पाई थी, ऐसा हो जाएगा ना? tan theta equal to a by g। Yes sir। Theta equal to tan inverse a by g। तो theta find हो गया। अगर sir, ये का, हाँ, sir, अगर ये तो sir, हाँ जी बोलो। sir, t cos theta is equal to mg क्यों होगा sir? rest में क्या? rest में होने sir। एक बात बताओ, vertical में कोई motion हो रहा है? नो सर। और वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ऐसे एक बात बताओ, हमने क्या लिया है? सुडो फोर्स। इस पे सुडो फोर्स लग रहा है बैकवर्ड में, इसीलिए यहाँ से यहाँ आ गया। सुडो फोर्स देख कौन रहा होगा? क्या इस कार के बाहर में ऑब्जर्वर होगा या अंदर में होगा? तो अंदर में होगा। अब ये अंदर वाला मैन क्या देखेगा?
कि यहाँ पर आके रुका हुआ है, मतलब एमए और पी साइन थीटा दोनों सेम होगा तभी तो एरे देखेगा इसको। क्लियर हुआ? और एक बार सर। ओके, पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, टी फाइंड हो गया है, सॉरी थीटा फाइंड हो गया है, पहले इसको नोट करो, फिर मैं वापस इसको लिखता हूं। ठीक है, देखो थोड़ा समझना होगा, मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करना चाहता क्योंकि स्किप करूंगा तो ज्यादा डेंजरस, अगर मान लो समझ में कम आया तो चलेगा क्योंकि तुम्हें पता तो चल गया ना कि सुडो फोर्स भी कोई चीज होता है, और अगर हम बताते नहीं तो समझ पता ही नहीं चलता कि सुडो फोर्स भी कुछ होता है। अगर हम बता दिए कि सुडो फोर्स भी है कुछ, तो अगर नहीं भी समझ में आया तो बार बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं आया तो दो चार पांच दस बार में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ाते तो स्किप कर देते तो कोई माइंड पे जोर तो नहीं पड़ता, अच्छा लगता, पता ही नहीं चलता, लेकिन वो तो फिर डेंजरस होता था ना। देखो एक बॉडी है जिसका मास एम है और ये एल लेंथ का एक थ्रेड है, एम मास का एक बॉडी है, एक बस के अंदर सिचुएटेड है सारा सिस्टम, एक बस के अंदर सिचुएटेड है सारा सिस्टम, दिख रहा है ना, बोलो। यस सर। अब एक बात बताता हूं, अच्छे से सुनना, अभी बस तो रेस्ट में है लेकिन जैसी ये बस चलने लग जाएगी एक्सीलरेशन ए से, जैसी ये बस फॉरवर्ड एक्सीलरेशन से चलने लग जाएगी तो तुम बताना ये थ्रेड प्लस बॉल वाला सिस्टम आगे झुकेगा कि पीछे झुकेगा। या ऐसे समझो कि एक ऑब्जर्वर है, यहाँ एक ऑब्जर्वर है, ये इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है या नॉन इनर्शियल में, फ्रेम ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर जो दिख रहा है तुम्हें गाड़ी के अंदर, एक हमने मैन जो बनाया गाड़ी के अंदर, वो इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल तो नॉन इनर्शियल में है तो सुडो फोर्स देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा सर। अगर देखेगा तो सुडो फोर्स किधर देखेगा, लेफ्ट बैकवर्ड राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बैकवर्ड। हाँ बैकवर्ड क्यों देखेगा? बैकवर्ड क्योंकि सुडो फोर्स ऑलवेज एक्सीलरेशन के अपोजिट होता है ना, बोलो। यस सर। तो जब इसको बैकवर्ड लगेगा, इस पे और कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं लग रहा, ओनली बैकवर्ड लग रहा सुडो फोर्स, तो क्या ये ब्लॉक ऐसा नहीं हो जाएगा, ये सिस्टम ऐसे नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर। हो जाएगा क्या? यस सर। यहां से यहां पे कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करते थीटा यहाँ पे आ जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि बैकवर्ड में सुडो फोर्स लग रहा था ए इनटू ए, डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है ए इनटू जी, क्योंकि एम इनटू जी तो ग्रेविटेशनल है उसको लगेगा ही, और ये थ्रेड है इसलिए टेंशन फोर्स भी लगेगा इधर, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको लोग फोर्स में? नो सर। नो सर। अब मेरी एक बात सुनो, अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल क्या होगा, ये वाला थीटा सर, थीटा होगा। तो इस पी का कंपोनेंट अच्छे से देखो, कंपोनेंट ब्रेक करना हमने सिखाया हुआ है कि इस पी का ये जो टी लग रहा है इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा होगा क्या, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है और जिधर एंगल क्या आता है, साइन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो एक इधर आएगा तो दूसरा इधर आएगा। अब कोई डाउट है बोलो। अभी तक कोई डाउट है या क्लियर है?
किसी को डाउट है? नो सर। ओके, अब एक बात बताना कि जैसी ये कार आगे जाएगी एक्सीलरेशन ए से, तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया ड्यू टू सूडो फोर्स, और यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, वो डिपेंड करता है एक्सीलरेशन के वैल्यू पे। जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा ए का, उतना ही ज्यादा ब्लॉक यहाँ से इधर आएगा, और कहीं ना कहीं आके रेस्ट में तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टी साइन थीटा इस पे राइटवर्ड लग रहा है, टी साइन थीटा, वही सूडो फोर्स को बैलेंस तो करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं। तो टी साइन थीटा ने सूडो फोर्स को बैलेंस कर दिया, किसी न किसी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, किसी न किसी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए टी साइन थीटा एमए को बैलेंस करेगा। क्योंकि जैसे जैसे इधर आएगा थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा और वो एमए को बैलेंस करेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी थीटा के लिए। अब वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो t cos थीटा भी बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब एक ही। अब दोनों इक्वेशन को जब हमने डिवाइड किया 1/2 तो क्या मिला? tan थीटा, और tan थीटा क्या मिला? a/t। तुम देख सकते हो कि थीटा कितना है, tan इनवर्स a/t, मतलब जितना a होगा उतना ही थीटा होगा। यहां लिख भी रहा है कि a का वैल्यू जितना ज्यादा रखोगे उतना ही थीटा हो जाएगा ज्यादा। क्लियर हुआ क्या? बोलो। कोई डाउट है किसी को? अब इक्वेशन वन को स्क्वायर करके और इक्वेशन टू को भी स्क्वायर करके ऐड करो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो टी कितना हो जाएगा? अंडर रूट दिस। तो टेंशन फोर्स भी मिल गया, देख लो यहां। कोई डाउट है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, तो किसी को भी किसी भी तरह से सूडो फोर्स में कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी तरह से सूडो फोर्स में डाउट है तो। अच्छा एक बात पूछता हूँ तुम लोगों से, इसको नोट कर लिए ना, मिटा दो इसको। यस सर। लगे रहोगे तो क्लियर हो जाएगा, फिजिक्स है, ऑफलाइन में कोई दिक्कत आने नहीं होगा, थोड़ा ऑनलाइन में सामने नहीं होते ना तो दिक्कत होती है, सामने हो गए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सब इमेजिनरी है, इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। तो इमेजिनेशन इसमें बहुत ज्यादा है। तो एक बात बताता हूँ कि एक ऐसा ट्रायंगुलर ब्लॉक है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, सभी लोग सोचना और बताना मेरे, ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास एम है और ये एंगल जो है वो थीटा है। अगर इस ट्रायंगुलर ब्लॉक में एक्सीलरेशन दे दे फॉरवर्ड और यहां पर एक ब्लॉक रख दे, तो तुम ही लोग बताओ इस ब्लॉक में सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस ब्लॉक में सूडो फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताएंगे सर? बैकवर्ड। बैकवर्ड लगेगा, क्योंकि सूडो हमेशा एक्सीलरेशन के अपोजिट होता है, मतलब सूडो फोर्स इधर लगेगा। देखिए कितना, तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, जो एक्सीलरेशन है फ्रेम का, मतलब ट्रायंगुलर ब्लॉक का, उसका और इस ब्लॉक के मास का प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे मास हम लेंगे किसका? स्मॉलर ब्लॉक का, क्योंकि हम स्मॉलर ब्लॉक का फोर्स देख रहे हैं, स्मॉलर ब्लॉक पे सूडो फोर्स देख रहे हैं, इसीलिए स्मॉलर ब्लॉक का मास लिया है।
अब तुम बताओ एमटी तो डाउनवर्ड लगेगा ना इस पे? यस सर। यस सर। इस पे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स इधर लगेगा क्या? क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर तो इधर ही बनेगा ना। अब एक बात बताना सभी लोग, इस mg का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? mg साइन थीटा, ऐसा हमने बहुत बताया हुआ है। और दूसरा कंपोनेंट इधर mg cos थीटा। इस एम ए का भी एक कंपोनेंट, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, ये वाला ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एम ए कॉस थीटा इधर, और दूसरा इधर ही आएगा एम ए साइन। नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको नोट करो और अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको नोट करो और कल के डाउट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दो वापस, अभी भी एक्सप्लेन किए हैं बट वापस करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कंपोनेंट ब्रेक करना था, इसीलिए बोलता हूं कि कंपोनेंट वाला जो ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में आएगा। तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये जो बोर्ड पे दिख रहा है इसको हम दोबारा करेंगे कल बिल्कुल जीरो लेवल, ठीक है? रखता हूं, थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.